चलेंगे अब तो हम लड़ाई लड़ेंगे मोदी से, अब पीछे हटने वाले ना मोदी से। जी सर, तुमने तो ऐसे पुल बांध दिए, कुछ खाना 15 लाख रुपए दूंगा दिए दिए, 15 रुपए भी ना दिए, तुमने तो इतने झूठे क्यों हो, झूठो तो वो खुदा भी माफ़ ना करे। और उस पहले तुमने बाबरी मस्जिद पर हमारा कब्जा कर लिया, चलो उसमें भी हम सबर करके बैठ गए कि चलो ले 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 लें दियो। और दूसरा नोटबंदी करिए, उसमें भी हम चुप लगा, उसमें कुछ नहीं बोले, बच्चे बहुत सारे लाइन में लग लग कर मर गए और बहुत नोट खराब हो गए, फीके उसमें आग लगाई नोटों में। तीसरे बार 3 तलाकों की बात करी, जब भी चुप रहे हम, मतलब चलो इसका मजहब तोड़ा या हमारा, यह कह रहा था कहीं दिया हमारा कब जा। फिर अब जब जामिया में करा, बच्चे मारे गुंडे बुला बुला कर, पुलिस बुला बुला कर, जब हमारी आँख खुली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है शाहीन बाग, आज 28वें दिन की सुबह यहाँ होने वाली है और इस वक्त लगभग सुबह के 4 बजने के आसपास हैं। अब इस सरकार से कहना चाहते हैं कि जब यहाँ के रहने सहने वाले हैं, पैदा यहाँ हुए हैं और रहतवान हम यहीं के हैं, तो हमें क्यों निकालेगा, क्यों ये NRC लागू किया गया? हम वो है, जब तक NRC और CAA वापस नहीं होगा, जब तक हम शाहीन बाग में आके करते रहेंगे। हाँ, मैं तो खड़ी हूँ। शाहीन बाग की दादियाँ, आप जो यहाँ पे आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो आज इस वक्त बैठे हुए हैं, आपको पूरी दुनिया ने देखा, आपको सलाम किया। हाँ, कराई कराई सलाम, जज्बे को सलाम किया। हाँ, दूर से दूर से लोग आ रहे हैं आपके जज्बे को सलाम करने के लिए। हाँ, आप जो यहाँ के बच्चे बैठे हैं, हम आपके बच्चे हैं सारे यहाँ पर। हाँ, सभी हमारे बच्चे हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहे हैं मोदी से, जी सर तुमने तो ऐसे पुल बांध दिए, कुछ खाना 15 लाख रुपए दूंगा दिए दिए, 15 रुपए भी ना दिए, तुमने तो इतने झूठे क्यों हो, झूठो तो वो खुदा भी माफ़ ना करे। और उस पहले तुमने बाबरी मस्जिद पर हमारा कब्जा कर लिया, चलो उसमें भी हम सबर करके बैठ गए कि चलो ले लें ले लें दियो। और दूसरा नोटबंदी करिए, उसमें भी हम चुप लगा, उसमें कुछ नहीं बोले, बच्चे बहुत सारे लाइन में लग लग कर मर गए और बहुत नोट खराब हो गए, फीके उसमें आग लगाई नोटों में। तीसरे बार 3 तलाकों की बात करी, जब भी चुप रहे हम, मतलब चलो इसका मजहब तोड़ा या हमारा, यह कह रहा था कहीं दिया हमारा कब जा। फिर अब जब जामिया में करा, बच्चे मारे गुंडे बुला बुला कर, पुलिस बुला बुला कर, जब हमारी आँख खुली, यानी हम तो सो ही रहे, अब भी अब ना बीचने की, अब तो सड़क पे चलो, और कभी तो हमारी सुनियाई होगी अपने बच्चों के लिए। अब सुन तो सही हो, चुप रहा, जब बच्चों का किसी के सिर फोड़ा, किसी के हाथ काटे, किसी के आंख फोड़ी और 40 बच्चे जेल में कर दिए, तो जब हम निकल कर जो आए जो, अब तो हम लड़ाई लड़ेंगे मोदी से, अब पीछे हटने वाले ना। क्या क्या एक सवाल है यहाँ ना, हमें से हम तक किसी ने कही, हम तो अपने मर्जी से गए, हम तो जब जब सुनवाई ना हो रही तो क्या ना अपने बच्चों के ताई, और हमारे तो गुजर गए, हम बच्चे क्या कहेंगे, ये न्यू क्या ना हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ जब तक तो का बंटवारा होगा, अब हुआ यू काम, तो अब कैसे कर्म देंगे, CAA NRC और इसे हम MPR हमें यू मंजूर नहीं है, नहीं चाहिए ना, हम मंजूर नहीं, हमें हम तो यूँ कहें आज तुम लिख कर दे दियो कोर्ट में, हम लागू ना करने के, और हमारे बच्चों को छुड़ा दियो और हम कल को उठ जाएंगे, हमारा तो यूँ मांग है। जब उन्हें कान आँखों से दिखता ना और कानों से सुना ना जाता, तब ये तो अपने उसमें कुर्सी के बैठने में मस्त है, अब कुर्सी पर भी तो हम नहीं बैठा दे, जब हम वोट ना देते कैसे बैठते कुर्सी पर, और कैसे बैठा दें, ऐसे उतारना भी जाना है हम, ना मोदी से डरा ना दूसरे से डरा। अब क्या कहना चाहते हो आप? अब हम यूँ चाहें जो हमारे बच्चों को जो जेल में उन्होंने छुटवा दियो, और ये सब जो CAA NRC ये सब वापिस ले लो, हम उठ जाएंगे, जो लोग ये वापिस ना होगी जो लोग नहीं डटे रहेंगे, उन्होंने कहा हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आप मत हटो तो हम भी डटे रहेंगे, डटे रहेंगे हम, कौन सा है मोदी ना है। Yeah.
जी बताइए। मतलब यूँ ना है जो खाली अनार से मुसलमानों पर, हिंदू पर, मुसलमान पर, सिख पर, ईसाइयों पर, सब पर है, सब एक हक है, सब को कर रहे हो तुम, हमें किसी को मंजूर नहीं है यो बात। हम तो सबके साथ हाँ सबके साथ है।